हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक होम्योपैथिक दवा के विषय में जिसका नाम है नेट्रामोल। इसको जो है हम लोग कॉमन साल्ट भी कहते हैं। इसको आपको जो है कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है और किस पोटेंशियम में यूज़ करना है, तो मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, नेट्रामोल के विषय में सबसे पहले मैं आपको नेट्रामोल का पेशेंट कैसा होता है इसको बता दूं। नेट्रामोल का पेशेंट क्या होता है, एनीमिक होता है। शरीर में खून की कमी रहती है, एकदम सुस्ती छाई रहती है जो है, और कमजोरी रहती है। कमजोरी ज़्यादातर गर्दन में रहती है। ऐसा पेशेंट को जो है जल्दी सर्दी पकड़ लेती है। एक सर्दी ठीक नहीं हुई कि एक सर्दी पकड़ ली मैंने नॉन स्टॉप कराई जाए, नमक बेसी खाना चाहता है, तो इसका पूरा गाइडिंग सिम्टम आप इसमें आ गया जो है। अगर पेशेंट खाने में नमक चाहे, जल्दी सर्दी पकड़ ले, कमजोरी रहे, सुबह उठते ही कमजोरी रहे, सुस्ती रहे, ये नेट्रामोल का पेशेंट है। ये आप जो है 30 पावर की नेट्रामोल सुबह शाम करके दीजिए जो है, 4 बूंद करके दिन में 2 बार 3 बार भी दे सकते हैं, क्योंकि स्लोली काम करती है, तो इसको आपको रिपीटेड डोज में देना पड़ेगा तब काम करेगी। तो ऐसा सिम्टम पेशेंट को मिले, खाना अच्छा खाता है फिर भी कमजोरी आ जाती है। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, जैसे मैंने आपको बताया हूँ कि जो सिम्टम आपको मिले, हमारा हर एक सिम्टम गोल्डन सिम्टम है। अगर आपको सर्दी शुरू हो गई और सर्दी के साथ साथ में छींक बहुत आ रही है, छींक पर छींक ज़्यादा आ रही है, और उसके बाद जो है आपका नाक बंद हो गया और आपका छींक बंद हो गई और डिस्चार्ज जो है पतला से मोटा डिस्चार्ज हो गया, आपका नाक बंद हो गया है, ऐसा सिम्टम सर्दी पर है, तो आप जो है नेट्रामोल 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार कुछ दिन ले लीजिए, आपकी इस तरह की सर्दी जो ठीक हो जाएगी। याद रखिए, इसमें स्नीजिंग छींक इंपॉर्टेंट है। अगर छींक से सर्दी शुरू होती है और उसके बाद नाक बंद हो जाता है, तो आप नेट्रामोल 30 जो है दिन में 3 बार करके कुछ दिन ले लीजिए, आपकी इस तरह की सर्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगला सिम्टम इसका जो है वही मेंटल पर ही है कि आप पेशेंट इसका डिप्रेशन रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अगर पेशेंट अकेला चाहता है कि हम कहीं अकेला हमको मिले तो हम खूब रोए और रोने के लिए अपना जगह खोजता है, ऐसा इसका मेंटल सिम्टम रहता है। और दूसरा सिम्टम इसका है मेंटल सिम्टम है कि जो है अगर आप उसको सांत्वना देंगे तो इससे वो आपको भड़क जाएगा, आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगा, माने आप उसको कंसोलेशन भी नहीं दे सकते। तो अगर ऐसा पेशेंट का सिम्टम रहे मेंटल सिम्टम, तो आप नेट्रामोल 30 पावर की लगातार कुछ दिन दे दीजिए, पेशेंट का एक प्रॉब्लम मेंटल प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा। लेकिन मेन सिम्टम आपको रहना चाहिए कि कंसोलेशन से पेशेंट एग्रेवेट कर जाता है, गुस्सा होता है, ये सिम्टम अगर मिलता है तो आप नेट्रामोल दे दीजिए 30 पावर की, 1 हफ्ता 10 दिन दे दीजिए, पेशेंट की मेंटल पोजिशन ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है सेरिब्रोस्पाइनल ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी माने क्या होता है कि जो है शरीर में सूजन हो जाती है और दबाने से जो गड्ढा होता है, इसको ड्रॉप्सी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ड्रॉप्सी ऑफ द ब्रेन, अगर ब्रेन में पानी आपको हो गया है तो उसका सिम्टम आप कैसे समझेंगे, पेशेंट अपने आप बता देगा आपको जो है जर्किंग ऑफ द हेड, तो आप अलर्ट हो जाइए, माने ब्रेन में पानी से हो रहा है, तो आप जो है नेट्रामोल जो है 200 4 बूंद सुबह शाम करके इसमें 1 हफ्ता दे दीजिए और बाद सल्फर भी दीजिए हमसे पूछकर। लेकिन अगर ब्रेन में पानी हो गया है, माथा में ड्रॉप्स हो गया है, तो आप जो है नेट्रामोल 200 सुबह शाम करके 1 हफ्ता दे दीजिए, तो पेशेंट को जो पानी है सूख जाएगा और पेशेंट को आराम मिल जाएगा। हालांकि ड्रॉप्स की और सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन ये स्पेशल दवाई है अगर ब्रेन में पानी हो गया है। तो ड्रॉप्स खाली जो है ब्रेन नहीं होता है, अगर आप जो है ड्रॉप्स अगर पाँव में हो गया है, पाँव जहाँ जूते पहनते हैं वो पूरा एरिया फूल गया है और दबाने से गड्ढा हो जा रहा है, तो कारण कुछ भी हो आप नेट्रामोल दे दीजिए, 10 दिन पहले दे दीजिए, पेशेंट का जो पाँव जो फूल गया है, ड्रॉप्सी हो गया, वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है सूनापन पर नंबनेस। अगर नंबनेस हो गया उसमें टिंगली हो रही है, माने झिझनी हो रही है, चाहे वो फिंगर में हो पाँव में हो, तो अगर जो है ऐसा सिम्टम है पाँव में सूनापन है, तो सूनापन कहीं भी अगर है तो आप जो है नेट्रामोल से शुरू कर सकते हैं। नेट्रामोल 30 पावर की सुबह शाम 4-4 बूंद करके दे दीजिए। जो फिंगर में नंबनेस है, झिझनी हो रही है, कहीं भी पाँव के उंगली में या हाथ के उंगली में झिझनी हो रही है और सूनापन हो गया, आराम हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है क्रेविंग फॉर साल्ट। इसमें क्या होता है, ग्रेट डिजायर फॉर साल्ट। आप खाना खा रहे हैं, नमक है उसमें, लेकिन आपको अलग से नमक खाना ही है, नहीं तो आपका खाना पचेगा नहीं, क्योंकि आपके शरीर में नमक की कमी है। तो अगर ग्रेट डिजायर ऑफ साल्ट है, तो बीमारी कुछ भी हो, आप नेट्रामोल 200 4-4 बूंद करके 1 दिन छोड़कर 1 दिन दीजिए, ऐसी बीमारी में 1 दिन छोड़कर 1 दिन दीजिए, तो आपको साल्ट खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। अब आपको शरीर में इसके खातिर कोई भी डिजीज हो गई हो, तो आप इसी एक सिम्टम से जो है आपकी जो है जो बीमारी है वो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन पर है। इसका जो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, जिद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट होता है, रेक्टम में जो स्टूल जो है पड़ा रहता है, जो है रेक्टम जो है
इनएक्टिव हो जाता है और जब पखाना आपका स्टूल निकलता है तो रेक्टम जो है टोन फट जाता है और उसी से इतना हार्ड स्टूल होगा कि आपको जो थोड़ा ब्लीडिंग हो जाएगी तो आपको लगेगा कि हमको पाइल्स हो गया है, लेकिन नहीं, आपका एक कॉन्स्टिपेशन है। अगर कॉन्स्टिपेशन में स्टूल बहुत दिन से पड़ा है, हार्ड स्टूल है, तो ऐसा सिम्टम है तो आप नेट्रेमोर 30 या नेट्रेमोर 200 जो है अगर लेते हैं तो डेली सुबह एक डोज लीजिए और 30 लेते हैं तो दिन में 3 बार, चूंकि एक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप नेट्रेमोर 30 दिन में 3 बार लगातार लीजिए, आपका स्टूल का जो है पोजिशन ठीक हो जाएगा, रेक्टम जो है काम करना चालू कर देगा और रेक्टम जो स्टूल है वो आराम से पास हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि जो है स्टूल पास हो रहा है। तो दोस्तों उसका जो है हम पहले बता दिए हैं कि ये जो है डीप एक्टिव रेमडी है, देरी से काम करती है, उसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप इसको जब ले रहे हैं धैर्य के साथ लीजिए, कोई भी सिम्टम मिलने पर वो आपको आस्ते आस्ते आराम हो जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट थोड़ा दिन बाद मिलता है, क्योंकि ये जो है डीप एक्टिव रेमडी है। तो दोस्तों उसका अगला सिम्टम है मोडलिटी, माने किस चीज़ से आपका जो है बढ़ता है, आपको 10 से 11 के बीच में आपको फीवर हो, डायरिया हो या जो है बुखार हो जाए, इसका एग्जिबिशन टाइम है 10 से 11, अगर इसके बीच में आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप जो है नेट्रेमोर ले लीजिए, आपकी जो पर्टिकुलर जो टाइम से हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है मोडलिटी का है बाई हीट, गर्म कमरे में आपको जो परेशानी होती है, आपको जो है बाहर निकल जाएंगे खुली हवा में आपको तो आपको आराम हो जाएगा, ऐसा सिम्टम अगर मिले तो आप नेट्रेमोर 200 लीजिए, एक डोज लीजिए, दो डोज लीजिए, आपकी जो अगर गर्म से तकलीफ हो रही है तो आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों अगला सिम्टम इसका है मेंटल सिम्टम पर ही है, अगर पेशेंट को मेंटल एग्जॉशन ज़्यादा पड़ रहा है, उसको तकलीफ है तो आप तभी आप नेट्रेमोर ले लीजिए, अगर पेशेंट को नॉइज से तकलीफ रहा है, अगर बैठा हुआ है किसी तरह का नॉइज आ गया प्रॉब्लम हो गई, या जो है म्यूजिक से प्रॉब्लम होती है, म्यूजिक तो जनरली हर आदमी को अच्छा लगता है लेकिन नेट्रेमोर का पेशेंट जो है म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करता है, तभी आप नेट्रेमोर जो है 30 पावर में ले लीजिए, पेशेंट का मेंटलिटी ठीक हो जाएगा। और जो पेशेंट जो है बात नहीं करना चाहता है, बात करने में उसको दिक्कत होती है, अगर ये सब सिम्टम कोई भी मिले आपको, कोई मैच करे, तो आप नेट्रेमोर 30 से शुरू कर सकते हैं या नेट्रेमोर 200, तो आपको जो है ये सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। जितनी एबनॉर्मलिटी है, जैसे जो है आपको बात नहीं करना चाहते हैं, म्यूजिक नहीं सुनना चाहते हैं, नॉइज आपको बर्दाश्त नहीं है, आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं है, आपको प्रॉब्लम 10 से 11 के बीच में होती है, इसमें आपका कोई भी सिम्टम मैच करता हो, इसका हर एक सिम्टम गोल्डन सिम्टम है, आप जो भी सिम्टम मैच करें आप जो है खुद डॉक्टर बनकर अपनी आप दवाई ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी किसी की जागीर नहीं है, होम्योपैथिक सिम्टम पर डिपेंड करता है, आप नेट्रेमोर का सिलेक्शन करके आप खा सकते हैं, आपको आराम हो जाएगा। तो दोस्तों उसका अगला सिम्टम है मोडलिटी पर, मोडलिटी पर दो होता है, एक एग्रेवेशन होता है, एक एमिग्रेशन होता है, तो इसका हम आपको बता रहे हैं एमिग्रेशन, अगर आपको कमर में दर्द है, अगर जो है कमर को पीछे की तरफ जो है किसी चीज़ से दबा के रखते हैं, माने प्रेशर दे के रखते हैं, ऐसा सिम्टम है तो आपका जो है नेट्रेमोर काम करेगा। और दूसरा बात है, अगर आपको नहाने के बाद में आराम मिलता है, क्योंकि आपको गर्मी से गर्म हवा में आपको तकलीफ होती है, अगर आपको नहाने से आराम मिलता है, अगर आपको लाइंग राइट साइड में सोने से आराम मिलता है, आपको परेशानी कोई भी हो, आपको डिजीज कोई भी हो, आप जो है नेट्रेमोर 30 पावर के दिन में 3 बार लीजिए या नेट्रेमोर 200 एक बार सुबह सुबह रोज दीजिए, तो आपकी सारी परेशानी जो है दूर हो जाएगी सिर्फ नेट्रेमोर की दवाई से। दोस्तों इसका अगला सिम्टम जो है कि इसका पेशेंट जो है नर्वस टाइप का रहता है, इतना नर्वस रहता है कि कोई सामान उसके हाथ में रहेगा तो हाथ से सामान छूट जाता है, हालांकि वो अपने आप नहीं छूटता है, माने कि ये नहीं कि जानबूझ के छूट गया, ऐसा मेंटल सिम्टम अगर है तो वो भी नेट्रेमोर का पेशेंट है, नेट्रेमोर 200 दे दीजिए, उसको 2-4 खुराक दे दीजिए, उसका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है हेडेक पर, तो हेडेक पर आप सिर्फ एक सिम्टम पर दे सकते हैं, जो लड़कियां रहती हैं, छोटी लड़कियां जो स्कूल कॉलेज जाती हैं, तो उनको अगर हेडेक हो रहा है, कारण कोई भी हो, अगर स्कूल जाने वाली लड़कियों को हेडेक हो रहा है तो आप नेट्रेमोर 200 दे दीजिए, सुबह शाम करके कुछ दिन दे दीजिए, तो हेडेक उनका हमेशा के ठीक हो जाएगा। ये अक्सर होता है कि स्कूल जाने वाली लड़कियों को हेडेक होता है, जैसे स्कूल जाने वाली लड़कियों को लिकोरिया होता है, तो कोलोफाइलम दे दीजिए, आराम हो जाएगा। हम आपको जब कोलोफाइलम का वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे, इसी तरह इसमें भी जो है स्कूल जाने वाली लड़कियों को अगर हेडेक हो रहा है और काफी दिन से हेडेक हो रहा है, आप परेशान हो गए हैं दवाई करते करते, तो ऐसे लड़कियों को जो है नेट्रेमोर 200 एक दिन छोड़कर एक दिन दे दीजिए, चाहे रोज दीजिए, तो नेट्रेमोर से जो है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है टंग पर, सबकी टंग एकदम क्लीन रहती है, इसकी टंग जो है मैप्ड रहती है, मैप्ड में नक्शा की तरह आपके टंग पर जो है पूरा एक नक्शा बन जाएगा, और आपको बीमारी कोई भी हो, पेट की बीमारी कोई भी हो या कोई भी बीमारी हो, हम लोग तो टंग से दवा का सिलेक्शन कर लेते हैं, यूरिन से कर लेते हैं, स्टूल से कर लेते हैं, आप नेट्रेमोर जो है 200 सप्ताह में 2 बार करके लगातार ले लीजिए, आपके टंग में जो मैप्ड नक्शा बना हुआ वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है यूरिन पर, यूरिन एंड कफ,
जैसे हमने आपको शायद अभी कार्यक्रम का वीडियो नहीं बनाया है कि उसमें आप जो है कुछ भी काम करेंगे, बात करेंगे, आपको जो पेशाब हो जाएगा और कार्यक्रम के बाद में भी ये दवाई है निट्रेमूर, पेशाब अपने आप निकल जाएगा। आप जब रास्ते में चल रहे हैं तो आपको पेशाब हो जाएगा, आप जब खांसते हैं आपको पेशाब हो जाएगा, आप जब हंसते हैं तो आपको पेशाब हो जाएगा, अपने आप पेशाब निकल जाएगा। तो ये सब कारणों से अगर आपको पेशाब निकल जा रहा है तो आप निट्रेमूर 200 एक खुराक ले लीजिए, अगर जरूरत पड़े पर और खुराक ले लीजिए। 30 पावर की आप दिन में 3 बार ले सकते हैं और 200 पावर की दिन में 1 बार डिलीवरी ले सकते हैं, आपका जो है यूरिन जो है निकलना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको निट्रेमूर के बारे में बताया, जो सिम्टम मिले आपको वो दवा खा लीजिए। फिर भी कोई डाउट हो या प्रॉपर कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, प्रॉपर कंसल्टेशन की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और कॉल करने का टाइम, हमसे बात करने का टाइम सिर्फ 3 से 5 है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7059613492। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एक और चैनल है इंग्लिश में जिसका नाम है वर्ड ऑफ होम्योपैथी, उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, नमस्कार।